नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। सीहोर में कृषि अधिकारियों ने अपनी कई वर्षों से लंबित मांगों को लेकर संयुक्त कृषि मोर्चा सीहोर के बैनर तले कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने पदोन्नति, नव नियुक्त कर्मचारियों को 100% वेतन, ग्रेड पे बढ़ोतरी और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग रखी है। उल्लेखनीय है कि इन कर्मचारियों के अथक प्रयासों से प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है। उपसंचालक सीहोर के पांडे ने बताया कि 10 दिनों में यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो कृषि विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदेश व्यापी हड़ताल की जाएगी। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है। ये आज हम देख रहे हैं कि आप कृषि विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ ज्ञापन देने आए, क्या है आपकी मांगे? वास्तव में क्या है कि हम लोग काफी सालों से काम करते हुए आ रहे हैं और हमारे जो संयुक्त कृषि मोर्चा है 7 सूत्री मांगों को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर हमने ज्ञापन सौंपा है। इसमें क्या, वर्ष 2016 से हम लोगों के विभाग में कोई भी पदोन्नति और कोई भी किसी भी तरह से नहीं हो रहा है। और दूसरा, जैसे कि जन विभागों में है, वित्त विभाग है, राजस्व विभाग है, ये 5 स्तरीय वेतनमान लागू होता है, तो वो हम लोग यहाँ 3 स्तरीय है तो उसको हमें 5 स्तरीय चाहिए। और कृषि विभाग में जो संचालक का पद है वो एक टेक्निकल पद होता है, तकनीकी पद, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारे कृषि विभाग के ही वरिष्ठ कृषि अधिकारियों को पदस्थ किया जाए। आइए, इसके स्थान पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जो हमारे विकास खंड में पदस्थ होते हैं वो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कैडर को राजपत्रित घोषित किया जाए। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्रेड पे 3200 है, कृषि विकास अधिकारी का 3600 और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी 4200 वेतनमान इनका दिया जावे। इन पदों के लिए मूलभूत योग्यता BSc कृषि की डिग्री है जिसका सरकार द्वारा प्रोफेशनल घोषित किया जाए। कृषि विकास अधिकारी के संचालक कृषि स्तर के समस्त रिक्त पदों को वरिष्ठता के अनुरूप पदस्थ किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा अनुसार विभाग में नव नियुक्त सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जिनको कि द्वितीय वर्ष से 100% वेतनमान देने की घोषणा की गई है उस पर तत्काल अमल किया जाए और जो पुरानी पेंशन योजना थी 2005 के पहले तक उस पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए। इस तरह से हमारी ये 7 सूत्री मांग है और ये पूरे प्रदेश स्तर से हमारा संयुक्त मोर्चा जो है इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी से रख रहा है। सीहोर से सतीश सेन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।